हेलो एंड वेलकम टू कोर एकेडमी। माय नेम है शिबा खान और मैं आज आपको क्लास 8 का ज्योग्राफी चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इस चैप्टर का नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। मतलब हमको डिटेल एनालाइज करना है लैंड के बारे में, सॉइल के बारे में, वाटर के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में। So, let's get started. पहले हम स्टार्ट करते हैं लैंड से। What is land? Land, जमीन की एक परत जिसपे आप खड़े हो सके, वो होता है लैंड। ठीक है, देखते हैं। लैंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। ये नेचर के द्वारा हमको मिला गया है, इसीलिए वो है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इट कवर्स अराउंड 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। अर्थ में आपको पता है वाटर भी है ना, लैंड भी है। तो अराउंड 30% इन अर्थ लैंड इज सिचुएटेड। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन द लैंड इज अनइवन। देखिए क्या बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन लैंड इज अनइवन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड इज अनइवन। जो पॉपुलेशन है वो कुछ लैंड में हमको नहीं मिलती है। जैसे डेजर्ट एरिया में आप जाएंगे, आपको दिखेगा क्या कि वहां कोई कॉलोनी सिचुएटेड है? नहीं ना। वैसे ही कुछ एरिया, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मिनरल्स, जहां पे मिनरल्स पाए जाती है, ठीक है, वहां पे क्या आप देखेंगे वहां कोई कॉलोनी सिचुएटेड है? नहीं ना। वो कुछ एरिया को अलॉट कर दिया जाता है फॉर अदर पर्पसेस, ठीक है, और कुछ एरिया जैसे डेजर्ट एरिया वहां पे अलाउ ही नहीं करा जाएगा। Exactly. आगे प्लेन एंड रिवर वैली आर सुइटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। प्लेन और रिवर वैलीज, रिवर वैलीज क्या होते हैं, चलिए आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए एक रिवर यहां से फ्लो हो रही है, ठीक है, रिवर एक फ्लो हो रही है, उसके पास के जो एरिया है, उसके पास के एरियाज को हम रिवर बेसिन या रिवर वैलीज कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो बोला गया है रिवर के पास के एरिया, रिवर वैलीज में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन काफी अच्छी होती है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हेंस दीज एरिया आर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। इसीलिए रिवर के साइड वाली वैलीज को, रिवर वैलीज में पॉपुलेशन कुछ ज्यादा ही होती है इन द इन कंटेक्स्ट टू द वर्ल्ड। चाहे कहीं पे भी रिवर फ्लो हो रही है, उसके आसपास की जगह बहुत ही अच्छी होती है एग्रीकल्चर के लिए। और एग्रीकल्चर करेगा कौन? पीपल। तो पीपल वहीं सेटल डाउन हो जाते हैं ताकि अच्छे एग्रीकल्चर के लिए। सच है? यूजेस ऑफ लैंड, लैंड के यूजेस क्या है, आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि लैंड का पर्पस क्या होगा। एग्रीकल्चर के लिए, रहने के लिए, फॉर मेकिंग हाउस, ठीक है, फॉर मेकिंग बिल्डिंग, फॉरेस्ट्रीज के लिए, माइनिंग्स के लिए। रोड कहाँ बनता है? किसी नदी के ऊपर बनी है क्या रोड? नहीं, जमीन पे बनी है ना। तो रोड्स, बिल्डिंग हाउसेस, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज कहाँ सेटअप होती है? लैंड में। ऑन द मतलब बहुत ही बेसिक थिंग है लैंड। इज दैट क्लियर? द यूजेस ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स। लैंड का यूज किस तरह से होगा ये डिटरमाइन करता है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं? जैसे वहां की मिट्टी किस तरह की होगी। मैंने लास्ट चैप्टर में आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल अवेलेबल होती है, महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी होती है। तो ब्लैक सॉइल किसके कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है? यस, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो वहां पे कॉटन क्रॉप्स का कल्टीवेशन होगा। वैसे ही एलिवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है, रेड येलो सॉइल, ऐसे काफी सॉइल्स होते हैं जो उन लैंड्स में एग्रीकल्चर को बेनिफिट करेगा, वो सारे प्रोडक्शन वहां पे किए जाए। तो पहला आपको समझ में आया सॉइल किस तरह से डिफरेंशिएट करता है लैंड को। देन क्लाइमेट, किसी एरिया में क्लाइमेट, सपोज
फॉर एन एग्जाम्पल, कर्नाटका में कॉफी कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है, कॉफी एंड टी, ठीक है। तो वहां पे सिर्फ वहीं पे क्यों कल्टीवेशन होती है? क्योंकि वहां का सॉइल और वहां का क्लाइमेट उन चीजों के लिए बेस्ट माना गया है, ठीक है। तो वह सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, बहुत सारी जगह आप कभी देखें जो कॉफी और टी कल्टीवेशन है वो स्लोप में होती है, ठीक है, वहां पे पानी ठहरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीजें, ऐसी कुछ अवेलेबिलिटी, इन सारी चीजों की अवेलेबिलिटी कर्नाटका में है। तो कर्नाटका इज बेस्ट फॉर टी एंड कॉफी। तो ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स है जिनके कारण, जिनका वेदर, जिनका क्लाइमेट, जिनकी सॉइल, ये सारी उन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर इफेक्ट करती है। इसीलिए लैंड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस, और लैंड ऑल्सो डिफर्स ड्यू टू क्लाइमेट, ठीक है, सॉइल, मिनरल्स, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। आगे बढ़े, लैंड को डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट वन फॉर द प्राइवेट लैंड और सेकेंड है कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड आर दोज लैंड विच आर यूजिंग प्राइवेटली, मीन ऐसे लैंड जिसे प्राइवेटली यूज किया जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका घर, आपका घर जिस एरिया में बना है वो एक वो स्पेसिफिक लैंड आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इज दैट क्लियर। कम्युनिटी लैंड, कम्युनिटी लैंड आर दोज लैंड विच आर ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ये देख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट की खेती करना, वेजिटेबल्स की खेती करना, मेडिसिनल प्लांट्स लगाना, ये सारी कम्युनिटी के द्वारा एक लैंड परचेज की गई है, उसलिए यूज करना। आई बात समझ में? फर्स्ट वन इज प्राइवेट लैंड एंड सेकेंड वन इज कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड इज यूज बाय योर सेल्फ, बाय योर ओन, विच हैव योर ओन राइट, है ना। एंड कम्युनिटी लैंड आर दोज लैंड विच यू पर्सनली डोंट हैव एनी राइट। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। देखिए, पॉपुलेशन जैसा जैसे इंक्रीज होते जा रहा है वैसे लैंड के यूजेस भी बढ़ते जा रहे हैं। वही पॉपुलेशन तो एक तरफ इंक्रीज हो ही रहा है, बट ऐसा है क्या कि लैंड भी इंक्रीज हो रहा है? नहीं, लैंड तो लिमिटेड है बट पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है, और कहीं ना कहीं लैंड की कमी होती भी जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं। पीपल स्टार्टेड एनक्रोचिंग द कॉमन लैंड टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज लाइक मॉल्स, ठीक है, सिनेमा थिएटर्स, ये सारी चीजें। जो कॉमन लैंड था उस पे कमर्शियल एरिया बना रहे, जैसे कि बिल्डअप ऑफ मॉल, शॉपिंग मॉल्स, है ना, सिनेमा थिएटर्स, ये सारी चीजों का यूज भी लैंड में हो रहा है। टुडे वास्ट चेंजेस कैन बी एक्सपीरियंस बाय अस इन द पैटर्न ऑफ यूज ऑफ लैंड। बहुत सारी चेंजेस देखी जा रही हैं लैंड के पैटर्न्स में, जैसे कहीं डेजर्टिफिकेशन हो जाता है ना। कुछ एरिया ऐसा था जहां पे पहले तो बहुत अच्छी खेती होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो लैंड सूखता जा रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। सॉइल इरोजन क्या होता है? देखिए एक एग्जाम्पल, ठीक है, आप एक एरिया फुल ऑफ, एक लैंड फुल ऑफ ग्रास है, वहां पे आप ग्रेजिंग के लिए कुछ एनिमल्स को ले आते हो, जैसे कि गोट, काउ, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, गोट या काउ उस ग्रास को खींचते हैं। जब ग्रास को खींचते हैं उसके साथ ऊपरी परत मिट्टी की आ जाती है, ठीक है, जो कि सॉइल को लूज कर देता है। समझ रहे हैं बात को? सॉइल को लूज कर देता है, और कभी तो कोई तेज विंड चले तो उस सॉइल को इरोड कर देता है, उसी को हम कहते हैं सॉइल इरोजन। मतलब मिट्टी का उड़ना ही सॉइल इरोजन कहलाता है। उसका मेन कारण है ओवर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। लैंडस्लाइड्स होते हैं। लैंडस्लाइड्स क्या होते हैं? देखिए, मान लीजिए एक माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन की ये वाली परत खिसक के नीचे गिर गई, वो होते हैं लैंडस्लाइड। आई बात समझ में?
और ऐसी सारी चीजें मेजर थ्रेट्स हैं एनवायरमेंट के लिए. एनवायरमेंट के लिए मेजर थ्रेट्स हैं क्या क्या? लैंड डिग्रेडेशन, लैंडस्लाइड्स, सोइल इरोजन, डेजर्टिफिकेशन, ये सारी चीजों को एनवायरमेंट के लिए थ्रेट बताया गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेट्स मूव फॉरवर्ड. कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज, किस तरह से हम लैंड रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं ताकि वो हमारे फ्यूचर यूज के लिए बेनिफिशियल हो या हमारे फ्यूचर यूज में आए, फ्यूचर जनरेशन उसका यूज कर सके. ठीक है, देखते हैं. ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर ग्रोइंग डिमांड्स हैड लेड टू लार्ज स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर. देखिए, जहां आप अभी रह रहे हैं वो कभी ना कभी एक जंगल हुआ करता था. ठीक है, आपने उस लैंड को क्लियर किया फिर उसके बाद अपना घर बनाया. तो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स अपने हर नीड को यूटिलाइज या सैटिस्फाई करने के लिए फॉरेस्ट कवर को काटती है. समझ में आ रही है बात? फॉरेस्ट कवर को काटती है. इज दैट क्लियर? तो वही सम मेथड्स टू कंजर्व लैंड रिसोर्सेस, कुछ मेथड्स हैं जो लैंड रिसोर्सेस को कंजर्व किया जाए. देखिए, आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो ह्यूमन के नीड्स भी बढ़ रहे हैं. तो आप अगर किसी एरिया के फॉरेस्ट को काट रहे हैं, किसी एरिया के प्लांट को काट रहे हैं, तो ये इंश्योर करिए कि आप उसके अलावा जितने प्लांट्स को आपने काटे उसके अलावा कुछ प्लांट्स को आप लगाए. समझ में आ रही है बात? तो कोशिश करिए अफॉरेस्टेशन करने की, प्लांट्स लगाने की. ठीक है, जब फार्मर्स एग्रीकल्चरल लैंड में फर्टिलाइजर, जो हैवी फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, वो 3 या 4 बार अच्छी खेती देता है, देन उस लैंड को बंजर भूमि बना देता है. मींस उस एरिया में दोबारा से कल्टीवेशन नहीं हो पाती. तो आप अपने फर्टिलाइजर्स का लिमिटेड यूज करिए ताकि वो आपके नेचुरल लैंड को खराब ना करें. इज दैट क्लियर? फिर है कंट्रोल ऑन ओवर ग्रेजिंग. कंट्रोल ऑन ग्रेजिंग मींस, मैंने अभी आपको बताया था किसी एरिया में किस एक स्पेसिफिक एरिया बना के रखिए जहां पे गोट्स, काउज, जो भी एनिमल्स हैं, जो भी कैटल हैं, उनको रेयरिंग करने के लिए एक स्पेसिफिक एरिया में छोड़ा जाए ताकि वो पूरे लैंड को डिस्ट्रॉय ना करें. इज दैट क्लियर? मैंने आपको बताया था सॉइल इरोजन किस तरह होता है, याद करिए. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सॉइल्स के बारे में. सॉइल क्या होता है देखते हैं. सॉइल द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सॉइल. देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. तो ये है कुछ ग्रीन ग्रास. ग्रीन ग्रास का ये टॉप, उस ग्रीन ग्रास के बाद आप ये जो देख रहे हैं ये सॉइल की लेयर है. क्या है? सॉइल की लेयर. तो उसे हम सॉइल कहते हैं. इज दैट क्लियर? नाउ विल स्टडी हाउ द सॉइल हैज बीन फॉर्म. सॉइल कैसे फॉर्म होता है इसे हम देखेंगे. Soil is made up of organic matters, mineral, weathered rocks found on the earth. किसी भी जानवर की जब कोई भी जानवर मर जाता है तो उसे हम क्या करते हैं? मिट्टी में दफना देते हैं. अब 10 दिन बाद आप उस एरिया को खोल के देखेंगे, क्या वो एज इट इज रहेगा? नहीं, वो सॉइल में घुल मिल जाएगा, वो सब चीजों को डीकम्पोज कर दिया जाएगा. उसी से सॉइल बनता है, उसी को ही हम ऑर्गेनिक मैटर्स कहते हैं. मिनरल्स, वेदर्ड रॉक्स. वेदरिंग ऑफ रॉक्स क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे. तो ये सारी चीजें जब अर्थ में प्रेजेंट होती हैं तब उन्हें हम सॉइल कहते हैं. आप ये देखिए, आपके बुक में भी एक फिगर दी गई है, उसे अगर आप अपने कॉपी में ड्रॉ करना चाहें तो दैट्स वेल एंड गुड. ये आपके एक्सप्लेनेशन की. ये है ग्रास. ठीक है, मैंने आपको सॉइल इरोजन समझा रही थी. सॉइल इरोजन क्या होता है देखिए, जब कोई भी कैटल रेयरिंग के लिए आता है ग्रास को खींचेगा, अपने मुंह से पूरी ताकत लगा के ग्रास को खींचेगा, तो जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो सॉइल में निकल के उस ग्रास के साथ आ जाएगा. ठीक है, अब ये जो ग्रास है वो सॉइल को पकड़ा हुआ है. समझ में आ रही है बात? पकड़ा हुआ है. जैसे ही वो
खींचेंगे अपनी ओर तो बहुत सारे सॉइल उसके साथ आ जाएंगे, जिसके कारण सॉइल लूज हो जाएगा। और अब कभी भी बारिश या तेज हवा चलेगी तो उस सॉइल को बहा के अपने साथ ले जाएगा। आपको समझ में आया सॉइल इरोजन का मतलब? आई होप यू आर क्लियर। तो ये है टॉप सॉइल विथ ह्यूमस, ये जो एरिया है ये है टॉप सॉइल विथ ह्यूमस, यहाँ पे ह्यूमस भी प्रेजेंट होगा। सेकंड देखिए, सब सॉइल विथ सैंड स्लिट एंड क्ले, इसमें मिक्सचर है सैंड का, स्लिट का और क्ले, मींस कीचड़ और का मिक्सचर होगा। यहाँ पे है वेदर ड्रॉप्स, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी वेदर ड्रॉप्स क्या होते हैं, इज दैट क्लियर। और ये है पेरेंट रॉक, सबसे नीचे का जो लेयर होगा वो होगा पेरेंट रॉक्स, ठीक है। पेरेंट रॉक्स आर रेस्पॉन्सिबल कि ऊपर खेती कैसी होगी, समझ रहे हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स की कुछ ना कुछ हैबिट आप में आई होगी, वैसे ही ये पेरेंट रॉक डिसाइड करता है कि आगे एग्रीकल्चर किसकी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग, व्हाट इज वेदरिंग? द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, ऐसे रॉक्स जो कि टूट चुके हैं और बहुत ही पुराने हो चुके हैं, उन रॉक्स का टूटना ही वेदरिंग कहा जाता है। उन रॉक्स का टूटना ही वेदरिंग कहा जाता है जो पुराने हो चुके हैं, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इट विल बी टर्म्ड एज अ डेफिनेशन फॉर यू ऑल, ठीक है, तो डू राइट इट। अब हम कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सम फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सो फर्स्ट इज पेरेंट रॉक, रिलीफ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टाइम एंड क्लाइमेट, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं पेरेंट रॉक कैसे इंपॉर्टेंट है। इट डिटरमाइंस, पेरेंट रॉक डिटरमाइंस कलर, टेक्सचर, प्रॉपर्टी एंड मिनरल्स। मैंने आपको अभी बताया था पेरेंट्स मींस जो उनके फादर और मदर हैं। तो जो डेप्थ नीचे का लोअर पोर्शन ऑफ रॉक डिसाइड करेगा कि ऊपर कौन सी मिनरल्स होंगी, वो सॉइल कौन से कलर का होगा, उसका टेक्सचर कैसे होगा, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट रिलीफ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप, उसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट और स्लोप किस तरह होगा ये भी डिपेंड करता है। देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एफेक्ट्स द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं जो सॉइल के अंदर पाए जाती हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, जैसे जैसे इन सबका काम होता है तो देयर बी अ थिकनेस ऑफ सॉइल जो कि काफी टाइम के बाद आता है इन द सॉइल प्रोफाइल। मैंने आपको बताया टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज सॉइल प्रोफाइल, ठीक है। देन क्लाइमेट, टेम्परेचर, रेनफॉल इन्फ्लुएंसेस रेट ऑफ वेदरिंग एंड ह्यूमस, रेनफॉल और टेम्परेचर भी काफी इन्फ्लुएंस करता है ऑन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो याद रखिए जब भी हम फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन लिखे तो ये सारे पॉइंट्स को एड करें, इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सॉइल डिग्रेडेशन क्या है। सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन एंड रीप्लांटेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स। जैसे कि हम जानते हैं सॉइल एक तरह का रिसोर्स है और सॉइल का आपको मैंने बताया कि सॉइल इरोड भी हो जाता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके कुछ फैक्टर्स जो कि सॉइल डिग्रेडेशन में, जो सॉइल डिग्रेडेशन का कारण है। फर्स्ट है डिफॉरेस्टेशन, सेकेंड है ओवर ग्रेजिंग, थर्ड है ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, लैंडस्लाइड्स, फ्लड एक्सेट्रा, ये सारे कारण हैं सॉइल इरोजन के या सॉइल के डिग्रेडेशन के। जब अगर हम देख रहे हैं कि ये सारे हमारे सॉइल में प्रॉब्लम है तो जरूर उसमें कोई ना कोई मेजर्स भी होंगे। तो आइए देखते हैं उसके कुछ मेजर्स जिसके थ्रू हम सॉइल को कंजर्व कर सके या डिग्रेड होने से बचा सके। तो आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज मल्चिंग, इट इज अ लेयर ऑफ मटेरियल अप्लाइड द सरफेस ऑफ सॉइल, एक ऐसा मटेरियल जिसे सॉइल के सरफेस में लगाया जाए ताकि
सॉइल का इरोजन ना हो, सॉइल स्लो डाउन ना हो पाए, ठीक है। सेकेंड, कॉन्टोर बेरियर्स। कॉन्टोर बेरियर्स आर द कॉन्टोर स्ट्रिप्स विच इंटरसेप्ट डाउन स्लोप। इस तरह का जहां पे जो हिली एरियाज है वहां पे डाउन स्लोप्स होती हैं, उस एरिया को भी यूटिलाइज करने की बात कही गई है कि उस एरिया को भी वेल यूटिलाइज करे ताकि सॉइल का वहां से इरोजन ना हो पाए, ठीक है। रॉक डैम्स, स्मॉल बेरियर्स कंस्ट्रक्टेड विद स्टोन्स। रॉक डैम्स मीन्स छोटे छोटे बेरियर्स बनाए गए हैं ताकि सॉइल को इरोड होने से रोका जा सके, ठीक है। टेरेस फार्मिंग, द फार्मिंग मेथड हैज कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन द हिली एरियाज। टेरेस फार्मिंग, आपने टी कल्टीवेशन और कॉफी कल्टीवेशन को देखा ही है, वो स्लोप्स में होते हैं, तो स्लोप्स में होने की वजह से वहां पे तो उसको हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग, इज दैट क्लियर। और आपसे कहा गया कि इन सारे मेजर्स को और ज्यादा ही अपनाएं ताकि हम सॉइल इरोड होने से या डीग्रेड होने से रोक सके। और कुछ भी मेजर्स बचे हैं, इंटरक्रॉपिंग, ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स एट अ टाइम। कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है वहां पे एक या दो से ज्यादा भी हम क्रॉप्स को प्लांट करें ताकि हम एक बार में ही दो या दो से ज्यादा के फ्रूट्स या फूड ग्रेन्स को कंज्यूम कर सके। लैंड का यूज ट्वाइस हो जाएगा और हमारी कल्टीवेशन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। सिक्स पॉइंट है कॉन्टोर ब्लॉकिंग। कॉन्टोर ब्लॉकिंग प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांटिंग अक्रॉस द स्लोप। हमने अभी पढ़ा टेरेस फार्मिंग की जैसे ही कॉन्टोर ब्लॉकिंग है जो इसे बताया गया है। प्रैक्टिसेस ऑफ प्लांटिंग अक्रॉस द स्लोप, स्लोप पे प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए ही कॉन्टोर ब्लॉकिंग की बात की गई है। शेल्टर बेल्ट, अ लाइन ऑफ ट्री और प्लांट टू प्रोटेक्ट दैट एरिया। आप कभी हाईवेज में गए होंगे, हाईवेज में आपने देखा होगा आप जिस रोड पे चलते हैं उसके दोनों साइड बड़े बड़े ट्रीज को प्लांट किया गया है। दीज आर नोन एज शेल्टर बेल्ट। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक क्लियर होंगे। अगर आपको इससे या इससे प्रीवियस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो। टिल देन, थैंक यू।